दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि QR कोड पर ये तीन स्क्वेयर्स क्यों होते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों चलते हैं साल 1994 से पहले। वैसे दोस्तों साल 1994 से पहले QR कोड नाम की चीज़ मौजूद थी ही नहीं। दरअसल इस कोड के इन्वेंशन से पहले कुछ इस तरीके के 2D बार कोड का इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें यह स्क्वेयर या तो सेंटर में हुआ करता था या फिर स्क्वेयर की जगह पर सेंटर में एक या एक से ज़्यादा सर्कल्स बनाए जाते थे। दोस्तों ये स्क्वायर या सर्कल स्कैनर को कोड की पोजीशन बताता है, लेकिन बीच में स्क्वायर या सर्कल होने से जब इन कोड को एक के बगल में एक रखकर स्कैन किया जाता था तो स्कैनर दो कोड को एक समझकर स्कैन करता, और वही एजेस पर अगर ये कोड फेड या खराब हो जाता तो स्कैनर उस कोड को स्कैन ही नहीं कर पाता, जिसकी वजह से इनिशियल स्टेज में सामान को खरीदने और मनी ट्रांसफरिंग प्रोसेस में परेशानी हुआ करती थी। और इसी परेशानी का हल साल 1994 में डेंसोवेव कंपनी के इंजीनियर हेरा माशिरो ने QR कोड को इन्वेंट किया। इस कोड में तीन स्क्वायर QR कोड की पोजीशन समझाते थे और चौथा छोटा स्क्वायर इस कोड की अलाइनमेंट यानी कि QR कोड सीधा है या टेढ़ा है ये समझाता था। दोस्तों क्या आप इससे पहले ये इन्फॉर्मेशन जानते थे? और अगर नहीं तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसी ही इन्फॉर्मेशन की वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता हूँ आपसे अगली इन्फॉर्मेशन की वीडियो में।